भी बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बनी है, बिल्कुल जैसे शादी पार्टी में बनती है बिल्कुल ऐसी बनी है, और टेस्ट भी आपको वो ही आने वाला है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। अन्ना किचन क्यूर में आपका स्वागत है। गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ जयपुर की फेमस सब्जी आलू प्याज और पनीर की सब्जी, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही अच्छी हमारा सब्जी में टेस्ट आने वाला है। तो झटपट से हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो गाइस हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी जयपुर की फेमस आलू पनीर और प्याज की सब्जी। देखिए फ्रेंड्स, आज हम प्याज और पनीर और आलू की बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी बनाने जा रहे हैं, और बिल्कुल देसी स्टाइल में, और खा के आपको मज़ा आ जाएगा। उसके लिए हमने ये आलू कट किए हैं, मैंने 2-3 आलू लिए हैं जो मैंने कट कर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, इसके भी मैंने पीसेस में कट कर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने 7-8 प्याज लिए हैं जो हमने छील लिए हैं। साबुती हमें अपनी प्याज रखनी है, और गाइस यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं और साबुत लाल मिर्च और लहसुन और प्याज। गाइस इन्हें हमें जैसे हम टमाटर की चटनी बनाते हैं बिल्कुल ही मिक्स करके इन्हें हमें बारीक करके पीस लेना है। देखिए गाइस, हमने टमाटर और प्याज मिर्च जो भी सब हमने टमाटर की चटनी की तरह सारे मसाले पीस लिए हैं। और चलो गाइस हम अपनी आगे की तैयारी करते हैं सब्जी बनाने की। देखिए फ्रेंड, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और सबसे पहले जो मैंने पनीर के पीस काटे हैं हम पनीर को फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अच्छे से पनीर फ्राई हो चुका है और कलर भी काफ़ी अच्छा आ चुका है हमारे पनीर में, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, और यहाँ पर मैंने पानी का एक बाउल लिया है, इसमें पानी है, और थोड़ी देर हम पानी में अपना पनीर डाल देते हैं। पानी में डालने से हमारा पनीर सॉफ्ट रहेगा। यहाँ पर गाइस जो मैंने आलू कट किए थे, अब अपने आलू फ्राई करेंगे हम। यहाँ पर हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और हमारे आलू का भी कलर चेंज हो चुका है पहले से, और हल्के से हमें गोल्डन करने अपने आलू। देखिए हमारे यहाँ पर आलू गोल्डन हो चुके हैं, और अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। काफ़ी अच्छा हमारे आलू में कलर आ चुका है। देखिए गाइस, हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम अपनी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता, हरी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग, दालचीनी, सारे हम इसमें डाल देते हैं। और ये हमने जो टमाटर प्याज और सारे मसाले पीसे थे हम अपना सब वो डाल देते हैं। सारे मसाले हमने डाल चुके हैं इसमें, और थोड़े से अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर, एक चम्मच स्वाद अनुसार नमक लेंगे और मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा मसालों का यूज नहीं करना है, सिर्फ देसी मसाले जो देसी तरीके से सब्जी बनती है हमारी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया, और कितना ही अच्छा हमारा मसाला भुना है। और इसमें अब हम थोड़ी सी दही डालेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, और यहाँ पर हम प्याज गिरेंगे। जो हमने प्याज ली थी हमें इन्हें कट नहीं करना, हमें साबुत ही प्याज डालनी है। और यहाँ पर जो मैंने आलू फ्राई किए थे वो डालेंगे, और पनीर हमें फ्रेंड बाद में डालना है, क्योंकि पनीर पहले डालेंगे तो हमारा पनीर घुल जाएगा। पनीर हमने अभी पानी में डाल के रखा हुआ है, पहले हम इन्हें अच्छे से पका लेते हैं आलू और प्याज को, इन्हें भुनने देते हैं। हमारी सब्जी बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। बिल्कुल देसी तरीके से हम सब्जी बना रहे हैं, बिल्कुल सब्जी साबुत, और उसे अच्छे से वही टेस्ट आएगा आपको।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने पनीर रखा था पानी में डाल के, वो हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। उसे हम पानी में से निकाल लेते हैं, चुका है। और यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हो कितना ही अच्छा हमारा मसाले ने कलर छोड़ा है। हम आधा गिलास पानी डालेंगे, जिससे कि हमारे आलू और प्याज गल जाएं। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और अपनी सब्जी को हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और पनीर गाइस हम बाद में डालेंगे, अभी हम सब्जी पकने देते हैं 10 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, अब अपनी सब्जी चेक करते हैं हम। हमारी सब्जी को बनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो हमारी सब्जी काफ़ी अच्छी कलर आ चुका है। और हमारे आलू भी चेक करते हैं हम, और हमारे आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने पनीर पानी में डाल कर रखा था वो मैंने निकाल लिया। अब हम अपना पनीर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पहले पनीर नहीं डालना था। अगर पहले पनीर डालते तो हमारा घुल जाता, इसलिए अब हम अब डालेंगे। और इसे सिर्फ 5 मिनट हमें और पकाना है। और बहुत ही अच्छी सब्जी में हमारा कलर आएगा, बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो हमारी सब्जी में कलर और ग्रेवी भी कितनी अच्छी बनी है। और प्याज भी हमारे अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और मैंने 2-3 हरी मिर्च कट की हैं वो डाल देते हैं, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सब्जी हमारी बन चुकी है। थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डालेंगे खुशबू के लिए, इससे हमारी सब्जी में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और हल्का सा हम आधी चम्मच से बहुत कम मैंने गरम मसाला लिया है, और इसे हम मिक्स कर देते हैं। और गाइस, हमारी सब्जी आप देख सकते हो आलू प्याज पनीर की बनके बिल्कुल तैयार है। और ग्रेवी भी हमारी सब्जी की बहुत ही अच्छी बनी है, और खाने में आपको बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है, क्योंकि हमने बिल्कुल देसी मसालों से देसी तरीके से सब्जी बनाई है। और हम अपना गैस अब बंद कर देते हैं, और हमारी सब्जी बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके तैयार है। यहाँ पर मैंने एक हांडी ली है, और अपनी सब्जी हम हांडी में सर्व करेंगे। हमारी आलू प्याज और पनीर की सब्जी आप देख सकते हो, ग्रेवी बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बनी है। बिल्कुल जैसे शादी पार्टी में बनती है, बिल्कुल ऐसी बनी है। और टेस्ट भी आपको वही आने वाला है। हमें डाल लेते हैं, रुक जा पहले सारी सब्जी कर लो। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने अपनी सारी सब्जी सांडी में कर ली है, और बहुत ही टेस्ट आने वाला है हमारी सब्जी में। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे हम। और गाइस, हमारी प्याज और पनीर और आलू की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है हमारी सब्जी में। बिल्कुल जैसे देसी सब्जी होती है, उसी तरीके से हमने अपनी सब्जी बनाई है। और आप भी बना के ज़रूर ट्राई करना। गाइस, मेरी वीडियो पसंद आए आपको, उसके लिए मुझे लाइक कीजिए।